हेलो फ्रेंड, अगर आप सीएससी सीएसपी एपीएस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर है, आप अपने कस्टमर को इस तरह का सुविधा फिंगर से पैसे निकालने के लिए ईटीसी का आप देते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप किस एप्लीकेशन का यूज करते हैं या फिर किस एपीएस कंपनी का आप ले रखे हो, आप पेटीएम ले रखे हो, पेनियर वाले रखे हो, फिनो ले रखे हो या सीएससी का डीजीपे वगैरह ही यूज करते हैं, इनके अलावा कोई भी कंपनी या मेसी प्रो होता है, आप जो पैसे निकासी करते हैं कस्टमर जो आपके वॉलेट में या फिर आपके उस कंपनी के बिजनेस अकाउंट में आता है, उस पैसे को फिर हम कैश में कैसे रोटेट करें ताकि हमको फिर उससे पैसे को कैश बनाए फिर कस्टमर होते, यानी कि एक सर्कल होता है कि पैसे को कैश बनाए कैश को फिर विड्रॉ करके अकाउंट में वर्चुअल में पैसा लिया फिर उसे कैश बनाए, एक सर्कल को चलाते रहना किस प्रकार करें। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, जो गलती आज मैं वीडियो में हाईलाइट करूंगा नहीं करनी चाहिए। और आप अपने शॉप के लिए अपने बिजनेस के लिए कैश मैनेजमेंट कहां से करेंगे, आपकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से करेंगे, किस प्रकार करें, सही तरीके से करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह डर ना रहे। मैं पेनियर का रिटेलर साथ साथ पेनियर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अपनी शॉप चलाते हैं और उन लोगों को भी इशू आती है, तो उसे मैं जो सजेशन देता हूँ आज आपके लिए लेके आऊँ वीडियो कंप्लीट, और जो चीजें बचने को कहता हूँ उन चीजों को आज की इस वीडियो में हम केयरफुली जानेंगे। वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली, अगर आप इन सब चीजों जुड़े काम करते हैं, बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, सीएससी सीएसपी एपीएस के संचालक है, तो वीडियो को एक बार स्किप के एंड तक बने रहिएगा। कैश मैनेजमेंट कैसे करें उससे बताने से पहले सबसे ज्यादा जो गलती लोग करते हैं उस चीज के ऊपर हम एक नजर डालते हैं। आप जिस भी कंपनी एपीएस के काम करते हो, जस्ट लाइक ये गलती मैंने भी कर चुका है और इस गलती मैं सीख ली है ताकि आप ये गलती ना करो, जिस कारण आपको कोई भी बिजनेस करने में परेशानी ना झेलनी पड़े। तो ज्यादातर लोग करते क्या है कि जो फिंगर से पैसे निकाले या फिर यूपीआई से पैसे उसके बिजनेस क्यूआर हो गए उसमें लेते हैं, तो उसे वो क्या करते हैं सेटल जो करते हैं हमेशा पेमेंट को अपने पर्सनल बैंक में करते हैं, और वो उनका ज्यादातर एपीएस संचालक का जो बैंक होता है वो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट होता है या फिर इंडिविजुअल करंट अकाउंट होता है, दोनों सेविंग एंड करंट दोनों इंडिविजुअल अकाउंट में बिना जीएसटी वाले अकाउंट लिमिटेशन होते हैं, आपके पेमेंट निकालने के डालने की जमा करने की लिमिट होती है। जस्ट लाइक मान लो कोई हमारा डेली बेस 20,000 का विड्रॉ होता है और 20,000 अपने बैंक में सेटल करते हैं, फिर जाते हैं एटीएम या ब्रांच, वहां से कैश लेके आते हैं। तो इस तरह के सेविंग और करंट अकाउंट में जो मैं भी गलती करता था, अगर एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन तक, हर बैंक का अलग होता है, अपने बैंक से पता कर ले, अगर आप क्रॉस कर जाते हो, किसी बैंक का 20 लाख होता है, किसी बैंक का 1 करोड़ होता है, डिपेंड आपका किस प्रकार का अकाउंट है, तो आपसे 2% टीडीएस वो काट लेंगे। अब आप कमाते हो क्या हो, कमीशन बेस पर कमाते हो कि 1% चार्ज कर कमाते हो, वहां कमाओगे आपका 2% काट लेगा, ये नुकसान हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा बहुत कम इनका मतलब कि एपीएस काम होते थोड़ी बहुत करते चल जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर हाईर ट्रांजेक्शन करते हो डेली का 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख का विड्रॉ होता है, तो फिर आप ऐसा करते अपने पर्सनल बैंक में सेटल करते करते तो अभी ये काम छोड़ दे, नहीं तो आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इनकम टैक्स की रेडी पड़ेगी। मेरे स्पेशली स्टेट बैंक में मेरा सेविंग अकाउंट था उसमें दिक्कत आ गई, करंट अकाउंट में खोला उस पर भी ट्रांजेक्शन करने को नहीं दिया गया, उस बैंक के मैनेजर ने मुझे बुलाकर बताया सारे चीजें कि ये ट्रांजेक्शन करने क्या होता है, क्या नुकसान है। और जिस बैंक का आप यूज करते हो अपना अकाउंट कैश विड्रॉ करने के लिए या फिर कैश भेजने के लिए अकाउंट में, वो बैंक आपको आपत्ति जताएगी, मना करेगी ज्यादा ट्रांजेक्शन करने से या फिर आपका अकाउंट को फ्रीज या होल्ड कर, मेरे कई बैंक के साथ ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस में आया तो मेरे साथ काफी प्रॉब्लम देखने को मिला, ये तो बात होगी गलती करने की कुछ। इसी तरह से बहुत सारे लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन में पैसा अपने नंबर फोन पे गूगल पे पेटीएम कराकर अपने पर्सनल अकाउंट में लेते हैं, जो भी गलत चीज ट्रांजेक्शन आपका ज्यादा होगा उससे, और अगर आपके अकाउंट कोई ऐसा स्कैम किया हो पैसा घूमते घूमते आ जाता है, तो फिर आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा, और जो अकाउंट पैसे पड़े हुए हैं उसे आप निकाल भी नहीं पाओगे। ये कुछ चीजें हैं जिसे आपको बचना है। अब हम जानते हैं कि हम जो कैश मैनेजमेंट करते हैं, कैश है किसी कस्टमर को हम उठाए उनको दे दिए, फिर हमें इसे कैश बनानी है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके अकाउंट या फिर आपके वॉलेट के जो पैसे उसे कैश बनाने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से प्रमुख जो तरीका है वो होता है कैश ड्रॉप का, या फिर हम बोले तो सीएमएस का। सबसे ज्यादा सीएमएस जो है वो एयरटेल के पास है, अगर आपके पास एपीएस वगैरह करते हो तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट जरूर ले ले, आपको कैश मैनेजमेंट करने में काफी आसानी होगी। लेकिन आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं देख लो, पेटीएम वगैरह पे तो उतनी नहीं है, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनी है जैसे कि आपको कैश मैनेजमेंट होता क्या है कि आप जो भी पैसा कस्टमर का फिंगर लगा उठाते हैं आपके और ट्रेड वॉलेट या फिर आप जिस भी एप्लीकेशन यूज करते हो उसके एम कैश बोलो या उसके बिजनेस अकाउंट बोलो, वो पैसे आके आपका स्टोर होता रहता है, जिस पैसे को आपको ज्यादातर लोग अकाउंट सेटल कैश बनाते हैं। अगर आप जिस भी एप्लीकेशन यूज करते हो उसके ऊपर आपको कैश मैनेजमेंट सीएमएस या फिर कैश ड्रॉप बोल के ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसी कंपनी है जो लोन पेमेंट कलेक्शन इसे काम करते हैं, उन लोग मार्केट में घूमकर लोन कलेक्ट करते हैं, पैसे को लेते हैं जो लोन पेमेंट उन्होंने लोगों को दे रखा है, अब उस लोन को ले जाके कंपनी को ज्यादा दे नहीं देंगे,
उसे क्या करते हैं स्पेस पर स्पेशली इस टाइप के जितने भी APS होते हैं, फिनो के हो गए, पे नियर बाय के हो गए, एयरटेल के हो गए, इन सब से लोगों का टाइप होता है, इन लोगों का एक आईडी होती है और कैश ड्रॉप का ऑप्शन होता है। ज्यादातर जो हेवी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो हमारे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन लेन देन करते हैं, वो ज्यादातर अपने पैसे को जो कैश में जोड़ते हैं, जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट कैश ड्रॉप करना है, मीशो कैश ड्रॉप करना है, आपका आरोहन कैश ड्रॉप करना है, या फिर हीरो फाइनेंस का या फिर आपका बजाज का, ये सब सारे ऑप्शन आपके अगर एप्लीकेशन मिलते हैं तो आप वहां से कैश ड्रॉप कर सकते हो। आपको ढूंढना ऐसे व्यक्ति जो आपके आसपास इस कैश का काम करते हैं, वो आपको कैश ला के दीजिए। हमारे पास आरोहन के आते हैं, हीरो के आते हैं, और भी अलग अलग कंपनीज जो आते हैं और अपने पेमेंट जो हमारे कैश देते हैं और हम अकाउंट उनका अमाउंट को उसके एजेंट आईडी पे कैश को ड्रॉप कर देते हैं। तो कैश ड्रॉप करने से होता क्या है कि उस कंपनी के पास उनके पैसे चले जाते हैं, उसके एम्प्लॉय के आईडी पे जनरेट हो जाते हैं, उनका पैसा चला भी कैश हमारे पास आ गया, फिर हम कैश को बर्न करके फिर अकाउंट कर लेते, फिर वो कैश आते रहते, तो एक सर्कल चलता रहता है। इसमें से हम कैश को वर्चुअल रूप में बनाते हैं, फिर वर्चुअल को कैश बनाते हैं, तो हमारा यहाँ पे बिजनेस पहला रूप में चलता रहता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लोन कंपनी वाले को, जिस भी कंपनी आपके आसपास हो, आपके ऐप पे वो चीज मिलनी चाहिए, उनसे कॉन्टैक्ट करो, वहां से आप ये चीज पहला स्टेप तक कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है कैश मैनेजमेंट करने का, वो है कि आप जिस भी कंपनी का प्रोवाइड कर रखे हो, या फिर निर्भय कर रखे हो, या फिर प्रो कर रखे हो, और आप जहां से आईडी लियो, या फिर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर आप जिस कंपनी के लिए रखे हो, जैसे फिनो के, तो फिनो के आसपास ऑफिस है, तो बहुत हद तक ऑफिस वाले भी कैश मैनेजमेंट करके देते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर भी कैश मैनेजमेंट करके देता है, अगर उसके पास कैश मैनेजमेंट करने की क्षमता है, सहूलियत है। तो अब ये नहीं कहूंगा कि हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही होगा, या फिर हर डिस्ट्रीब्यूटर आपके आसपास ही, कई कोई डिस्ट्रीब्यूटर बहुत दूर के होते, तो आपको आना जाना पैसे लेके एक तरह की सुरक्षा का भी लगता है, उचित नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन है कि आप इस प्रकार जैसे फिनो के उसके ऑफिस से कैश देते हैं, आसपास ऑफिस है तो वहां से ले सकते हैं, इस प्रकार से आप या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी कैश अगर प्रोवाइड करते हैं, आपने पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैश प्रोवाइड कर दिया, अगर कर सकता आपके डिस्ट्रीब्यूटर तो यहां से भी आप कैश को मैनेज कर सकते हैं दूसरे तरीके के तहत। तीसरा तरीका जो मैं भी यूज करता हूं, जो ज्यादा बेहतर है, वो है कि आप किसी ऐसे शॉप काम वाले दुकानदार जो हेवी ट्रांजेक्शन करते हैं, जिसको हर बार अपने काम के लिए, माल के लिए, अपने गुड्स के लिए पैसे एक पार्टिकुलर कंपनी को लगाना पड़ता है, एंड फिर वो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो देते हैं, तो ऐसे को दुकानदार को बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं और कंपनी को रेगुलरली अमाउंट भेजते रहते हैं। तो होता क्या, वो दुकानदार जितने भी कैश कलेक्ट करता है वो आपको ला कर देता है, आपको पता करना हो आपके आसपास ऐसे कोई दुकानदार जो भी काम करते हो, और उस कंपनी का अकाउंट डिटेल आप अपने ऐप पे रजिस्टर कर लो, जहां पे आप पैसे भेज सको। बहुत सारे बैंक में आपको सेंड करने का, मनी का सेंड टू बैंक का ऑप्शन मिलता है, तो आप इस प्रकार से उनका पेमेंट कैश आपको दे देगा वो दुकानदार, और आप क्या करोगे उसके अमाउंट को उसके अकाउंट में लगा दोगे। यहाँ पे आपको कोई तरह डरने की बात नहीं कि आपका बैंक ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं होगा, आप क्या करो उसको भेज रहे हो, उसका प्रॉब्लम, उसका माथा का दर्द है, उनको पैसा आ रहा है, वो समझा कहाँ से आ रहा है, हमें भैया जब भी कुछ होगा पूछा जाएगा तो हमें कैश दुकानदार दे रहे हैं, और उस जिस कंपनी को लगाना हम उसको लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आप कैश का मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, कैश ड्रॉप पे आपको 0.10 से लेके 0.20 तक प्रॉफिट मिलता है, यानी 10,000 पे 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक का आपका वहाँ पे कमीशन कैश ड्रॉप करने पे गिरता है, जो कि इस प्रोसेस में नहीं गिरेगा, और ना ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पेमेंट लेते हो उस प्रोसेस में आपको कोई कमीशन मिलेगा। आपको जब भी कमीशन मिलेगा वो है आप कैश ड्रॉप करो, लोन पेमेंट करो, उसमें आपको मिलेगा। चौथा जो प्रोसेस है उसे आपको यह करना है, अपने शॉप पे ज्यादा बिल पेमेंट एंड लोन पेमेंट वगैरह की सर्विस देनी है, जैसे ये कस्टमर का बिल पेमेंट हो गया, लोन पेमेंट हो गया, ये सब चीजें काम, रिचार्ज का काम करना है। इससे क्या होगा, वो जो रेगुलर आपके एरिया के जितने लोग होते हैं वो इस काम को करने के बदले आपको कैश दे जाएंगे, आपका यहाँ पे सफिशियंट कैश हो जाएगा। पांचवा जो प्रोसेस है वो है कि आपको जिस एप्लीकेशन यूज करें उससे मनी ट्रांसफर का काम करना है। मनी ट्रांसफर से आपको पैसे कस्टमर देते, किसी को भेजना होता है, किसी कस्टमर को भेजना होता है, तो आप मनी ट्रांसफर यूज करोगे तो वहां पे क्या होता है कि APS के मुकाबले मनी ट्रांसफर मानते कम होता है, लेकिन अमाउंट आपका कैश का मैनेजमेंट इससे भी होता है, और प्लस आप जो कस्टमर चार्ज तो उस पे आपको बेनिफिट भी 0.45% तक का हो जाता है। तो कैश मैनेजमेंट करने के लिए इन पांच तरीका जो बेस्ट है, जिसमें बहुत सारे तरीकों को मैं खुद यूज करता हूं ज्यादातर अपने कैश को मैच कर। अभी जो पेमेंट आया हुआ है ये आरोहन ग्रुप का आया हुआ है, जो अभी रिसेंटली हमने लिया है अमाउंट को, और मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। मैं पे नियर बाय ड्रॉप किया हूं, जिसका मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि इतने अमाउंट हमने इसका ड्रॉप किया, इन पे बनने वाला कमीशन इसके ऊपर हमें दिख रहा है, इतना रुपया हमें कमीशन बना है। तो इस प्रकार से आप मैनेज के साथ साथ कमीशन कहां से, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कैश ड्रॉप करना, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको ढूंढना होगा आपके आसपास वो कौन से लोग हैं, एजेंट है, कंपनी है जो आपके शॉप पे आए और कैश ड्रॉप के लिए, लेकिन हाँ इसके लिए आपको सभी सेट पैसे रखने हो, क्योंकि आपको वो हमेशा आएंगे देने के, तो आप कभी आओगे कभी नहीं करोगे, तो वो ऐसे लोगों पर जाए रेगुलर उनका ड्रॉप हो जाए, ये नहीं कि आज किया फिर कल नहीं किया परसों नहीं हुआ पैसा, ऐसे वाले नहीं, आपको अमाउंट अपने अकाउंट सफिशियंट रखने हैं जितने उनके हो जाए। एंड फिर से मैं एक बार कहूंगा कि यहाँ पे जो लोग अपने
ट्रेड वायलेट से मनी को सेटल कर बैंक करते, बैंक से कैश निकालते, अगर ज्यादा अमाउंट करते हैं तो मत करो, थोड़ा बहुत अमाउंट करते हैं आपका डेली बेस में 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 होता है करते हो तो चल जाएगा, लेकिन बहुत हेवी ट्रांजेक्शन होता है ऐसा काम ना करे, ना ही एटीएम जाकर उठाए, ना ब्रांच से उठाए, और ना ही यूपीआई पेमेंट आप एक्सेप्ट करे ना ही दे, इस तरह का काम ना करे, नहीं तो आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आपका दुकान जब्त हो सकता है, आप पे लग सकता है जुर्माना। अगर इनके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक टॉपिक वीडियो बनाया है जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से जान सकते, जिसका वीडियो आपको सामने देखने को मिल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रही, वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों ग्रुप के साथ शेयर करें, ऐसे ही वीडियो बनाने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।